कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। उसकी तो गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता। भी लगा लोगे आप, हेयर ट्रांसप्लांट करा लोगे, जो भी आपके दोस्त बोल रहे हैं ना, भाई तेरे तो बाल उड़ रहे हैं। हाँ तो उड़ रहे हैं तो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पर रिसेंटली मैंने एक Q&A करा था और आप लोगों से पूछा था आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप प्लीज़ डिस्क्लोज करो मेरे साथ, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा और आपका नाम अनॉनिमस रहेगा, आपकी फ़ोटो किसी को नहीं देखेगी, किसी को नहीं पता चलेगी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी इंडियन मेन है या टीनेजर्स हैं, वो अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन प्रॉब्लम, कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं और उनका दिमाग हमेशा वहीं रहता है। और ये मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बता क्या है, स्टार्ट वर्किंग आउट। भाई बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो मैंने भी यूज़ किया था कि आप क्या कर सकते हो, आप वर्कआउट में अपने आप को इतना इंडल्ज कर लो कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले, या ऐसे काम में अपने आप को इंडल्ज कर लो कि उस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। मास्टरबेटिंग ट्वाइस थ्राइस अ वीक इट्स फाइन, आपकी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, पर हर टाइम ऐसी चीज़ें सोचना आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। तो हमें क्या करना है, हम जब वर्कआउट करना शुरू करेंगे और रोज़ वर्कआउट करेंगे और अच्छा प्रोटीन लेंगे या खाना खाएंगे, उससे क्या होता है, हमें लगता है कि अगर हम मैस्टरबेट करेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे तो इससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट हमें ऐसा एक साइकोलॉजिकली लगने लग जाता है। आप ट्राई करना, और आप नहीं करोगे आपका दिमाग उस साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आप इस चीज़ से हट के बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे। अब जो नंबर टू प्रॉब्लम, वो मैंने देखा जो स्टूडेंट्स अभी पास कर रहे हैं ट्वेल्थ को, वो डिप्रेशन में, वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ यार, कूल डाउन हो और अपनी लाइफ को ना दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दो। आप बहुत से यूट्यूबर्स को देखते होगे जो बहुत यंग हैं, आप बहुत से लोगों को देखते होगे जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं कम एज में, बट हम यही गलती कर रहे हैं। जो रियल लाइफ होती है और जो रील की लाइफ होती है ना, बहुत डिफरेंस होता है उनमें। उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी है, उनकी क्या डेस्टिनी है, वो किस साइड जाना चाहते हैं, सब डिफरेंट होता है। और हर किसी इंसान का सोचना या हर किसी इंसान की नॉलेज डेस्टिनी अलग होती है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, और ट्वेल्थ के बाद क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ट्वेल्थ तक कुछ भी नहीं सोचा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। यार मैं भी बहुत एमलेस था, बट ओवर द टाइम मैंने सोचा, मैं बैठा कि मेरे को करना क्या है। आपको BCom करनी है, आपको BBA करनी है, लॉ करनी है, या किसी हॉबी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, उसमें ऑनर्स करना है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। तो डिप्रेशन में आने से कुछ भी नहीं होगा, बैठो और सोचो आपको करना क्या है। और यार ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्वेल्थ के बाद अच्छे नंबर नहीं आए, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो इस चीज़ के पीछे ना भागो, सोचो आपको करना क्या है लाइफ में, आप किस में कंफर्टेबल हो, सो आपको ईजिली चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। सो डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है, हमें सोचना है अच्छे से चीज़ों को और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यार हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम बॉल्ड हो रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हमसे शादी कौन करेगा, या हम फ्यूचर में कैसे लगेंगे, हमें कोई पसंद भी करेगा या नहीं करेगा। हम सारी रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हेयर फॉल हो रहा है, हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जो मेरा एक दोस्त है, और आप जान जाओगे कि हेयर फॉल या बॉल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है। Hey guys, so, जिनको जो मेरे को नहीं जानते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रद्युमन ने आपको बता दिया होगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल्ड मैन एंड लूजिंग हेयर, बॉल्डनेस, सीधा इस टॉपिक पे हमारा बात हो रहा है। सो माय नेम इज़ देवांश कंबोज, जो मेरे को नहीं जानता, यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज, देवांश कंबोज के नाम से ही। आई एम अ फैशन एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल, मैं व्लॉग भी करता हूँ। इसने आई होप डिस्क्रिप्शन में चैनल नेम डाल दिया होगा, देवन मैगी के नाम से है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि इसको बहुत सारे Q&As आए हैं कि लोग बोलते हैं कि यार हमारे बाल टूट रहे हैं या फिर हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वी आर गोइंग बॉल्ड। देखो आज की डेट में जहाँ पे इतना स्ट्रेस है और हम अपनी सिटीज़ में इतना दिल्ली आसपास रहते हैं, इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में बहुत पोल्यूशन है, सो यू कांट जस्ट हेल्प इट, क्योंकि हमारा अब एयर इतनी साफ नहीं है, हमें स्ट्रेस बहुत है दिमाग में, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो हमारे स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है। किसी किसी का हेरिडिटी भी होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो जो ये ट्रीटमेंट होता है बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर पैसे भी लगते हैं, वेस्ट करोगे अपने पैसे, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने ये ट्रीटमेंट्स कराए हैं। बी फील गुड, जैसे आप हो वैसे रहो। मैं भी गंजा हूँ, देखो ये बाल देख लो आप मेरे, ठीक है जा रहे हैं। हाँ, और आई एक्सेप्ट इट,
देखो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। जो भी आपके दोस्त बोल रहे हैं ना, भाई तेरे तो बाल उड़ रहे हैं, हाँ तो उड़ रहे हैं, तो तेरे भी उड़ जाएंगे, हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं, अभी हैं कल नहीं होंगे। लेकिन मेन थिंग इज़ जब आप लोगों की बातों का ध्यान देना बंद कर दोगे, आपको खुद ही आप बहुत अच्छे लगने लगोगे। She is my girlfriend as well. And ये मेरी वाइफ है, her name is Maggie. Instagram maggie.says. So, Hi. अब देखो ये खुद बताएगी कि ये मेरे को बालों में पसंद ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। इसने मेरी फोटोज देखी हैं एंड जब हम मिले थे मैं ऐसे ही था। हम कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स थे और तब इसने मुझे अपनी पिक्चर दिखाई थी जिसमें इसके पूरे बाल थे। सो आई टोल्ड हिम, उस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था ना कि मतलब ऐसा कुछ हमारे बीच में होने वाला है। तब भी मैंने इसको यही बोला था कि यार तू बहुत सही लग रहा है अब एज कम्पेयर टू बालों के साथ। तो देर आर लॉट ऑफ वेमेन हु लाइक बॉल्ड मैन, हु लाइक मैन जिनके छोटे ईयर है, बस कट बोलते हैं इसको, जो बहुत ही छोटे ईयर होते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू नो लड़कियों को पसंद नहीं आता और दिस इज़ अ टबू एंड आपको इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए क्योंकि लड़कियों को एक्चुअल में देयर इज अ सर्वे आल्सो, मैंने इसके साथ शेयर किया था दैट बॉल्ड मैन ज्यादा पसंद है लड़कियों को। या लाइक 85% ऑफ वुमेन के साथ सर्वे हुआ था, उसमें 85% वुमेन ने बोला था बॉल्ड मैन को, बॉल्ड मैन हमें लाइक दे फाउंड बॉल्ड मैन सेक्सियर एंड मोर अट्रैक्टिव देन अ नॉर्मल पर्सन। एग्जैक्टली। सो यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करो। जब वो चीज़ आप करोगे देन टर्न टू नेक्स्ट थिंग कि अब हमें अपना वेल ग्रूम कैसे रहना अपने आप को। जब ये चीज़ें करोगे ना आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे टू अप्रोच एनीवन। सो प्लीज़ टेक आउट दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड कि यार हमारे बाल जा रहे हैं तो हमारा तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर बॉडी, दैट्स इट। सो आई होप आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि हेयर फॉल होना बालों में या बहुत ज़्यादा बॉल्ड होना कुछ बुरी बात नहीं है और हेयर फॉल को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। जिसका कंट्रोल हो गया दैट इज़ वेरी गुड, जिसका नहीं हो पा रहा वो जेनेटिकली भी हो सकता है या वो कुछ ऐसी चीज़ें खाता है उससे भी हो सकता है। सो इतनी टेंशन ना लो हेयर फॉल को लेकर, अपने बालों को लेकर। आई नो सब कॉन्शियस होते हैं अपने बालों को लेकर, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में। सो स्टे हैप्पी, लिव योर लाइफ हैप्पीली, चीज़ों को टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो। अब जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बहुत से लोग निग्लेक्ट करते हैं कि यार उस लड़की की तो ये प्रॉब्लम है, उस लड़की की तो ये प्रॉब्लम है, बट इस इंसान की जो बायसेक्सुअल है, जो गे है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। इस जेंडर को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करा जाता है आजकल के टाइम में और ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। उनका मेंटल लेवल बिल्कुल भी सही नहीं है, वो फिजिकली सही लगेंगे आपको बट उनका मेंटल लेवल बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, घर वाले कुछ सुनते नहीं हैं उनकी, वो पब्लिक में बाहर आ नहीं पा रहे हैं, अपने बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आजकल बायसेक्सुअल हैं और दे आर फेसिंग सच इशूज़। सबसे पहले मैं कहूँगा यार, गो आउट एंड स्पीक आउट योर सेल्फ। लाइफ आपको एक बार मिलती है, बस एक बार मिलती है। आई डोंट नो उसके बाद आप कहाँ पे जन्म लोगे, कहाँ पे बर्थ लोगे। सो यार मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो भी मन करता है, आप बेशक बायसेक्सुअल हो, आप कोई भी हो, आप एक हो तो इंसान, आप नॉर्मल हो, तो आप स्पीक आउट करो, बाहर निकलो, बोलो कि हाँ एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी। यार आपको जो करने का मन करता है करो, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार मिलेगी। आई डोंट नो व्हेन विल यू गेट योर अनदर लाइफ। सो इस लाइफ में आपको जो करना है आप करो, आप खुल के सामने, और लोगों को जो कहना है कहने दो, सोसाइटी को जो कहना है कहने दो, जो आपका मन करता है वो करो एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड विद प्राउड। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो स्किन प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को स्किन पे प्रॉब्लम होती है, एक्ने होती है, पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग होती है, और वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वो चीज़ और बढ़ जाती है ना। हम सोचते हैं हमारे फेस पे एक्ने, हमारे फेस पे टैनिंग है, हमें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, हमें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा क्योंकि हम बहुत गंदे लगते हैं। यार ये एक्ने, पिगमेंटेशन, टैनिंग एक इंसान की नॉर्मल लाइफ में होती ही होती हैं। आप कुछ भी कर लो, ओवर द टाइम आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपके फेस पे चीज़ें आती हैं एंड दैट इज़ नॉर्मल। हम सारी होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, बट वो चीज़ों को आप टाइम नहीं दोगे तो वो ठीक कहाँ से होगी। आप सोचते हैं होम रेमेडी आज करो और कल आपका एक्ने चला जाए, आपकी पिगमेंटेशन चला जाए। थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा सोचोगे नहीं उसके बारे में, तो वो ना हमेशा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप ध्यान मत दो उन चीज़ों पर, डिप्रेशन में मत जाओ सोच सोच के कि मेरे फेस पे एक्ने है, मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी
नहीं होता है, एक्ने सबके फेस पे आते हैं, पिगमेंटेशन सबके फेस पे होती है, टैनिंग सबके फेस पे होती है, कि आफ्टर ऑल हम सारे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल से अपने होम रेमेडीज़ को फॉलो करो, आप जो भी चीज़ें अप्लाई करते हो अप्लाई करो, पर उस चीज़ों को टाइम दो, और जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी, ट्रस्ट मी। अब जो नेक्स्ट एंड दी लास्ट प्रॉब्लम आती है, ये बहुत से टीनेजर्स की प्रॉब्लम है कि यार उसकी जो गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती, क्योंकि मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता, या मैं महंगी चीज़ें अप्लाई नहीं करता, मैं महंगा परफ्यूम नहीं लगाता। यार ये चीज़ें ना मैटर नहीं करती हैं, आपका अपीयरेंस ज़रूर मैटर करता है, आप नीट एंड क्लीन रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, ज़रूरी नहीं कि आप गुची के कपड़े पहनते हो तभी आपको वो लड़की पसंद करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड्स आपने सोशल मीडिया से देख देख के अपने दिमाग को ख़राब कर लिया। मैं फिर से कहूँगा, रील की लाइफ, कैमरे की लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंस होता है, कभी भी किसी की लाइफ को देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी रियल लाइफ कैसी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप महंगे कपड़े नहीं ले सकते, तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। और हाउ टू अप्रोच अ गर्लफ्रेंड, आपको क्यों करना है गर्लफ्रेंड को अप्रोच, अपने आप को ऐसा बना लो कि गर्लफ्रेंड आपको अप्रोच करे, वो लड़की आपको अप्रोच करे, और आपको उसके पास ज़्यादा जाना ना पड़े। पर हाँ, अगर सच्चा प्यार है तो ट्राई करो यार, इतना शर्माओ मत, थोड़ा सा कोशिश करोगे, ज़रूरी नहीं आपको जो भी आपके मन में बात है जाके बोल दो और चलते मनो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और खुश रहो। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करी, आई होप मैंने अच्छे से सॉल्व करी आपकी एक एक प्रॉब्लम। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने किस किस के साथ शेयर करी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।